पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ हमारा राइवन रोड के ऊपर। एक डंपर था और चिंची रिक्शा को हिट किया, 5 कीमती जाने हमारी जाया हुई। ट्रैफिक वॉलंटियर्स हम ले रहे हैं बच्चों और बच्चियों में से, अपने अपने स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के सामने जहाँ ट्रैफिक कंजेशन होती है पिक एंड ड्रॉप टाइमिंग्स में, तो उनको यूज़ करके और हम उनको एक उनमें एहसास जिम्मेदारी पैदा कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कुछ 17,121 चलान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के कर चुके हैं। कोई भी अपने दफातर में, थानों में, पुलिस लाइंस में विदाउट हेलमेट्स एंटर नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो उसकी हाजिरी मार्क नहीं होगी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का इस सारे क्रैकडाउन में कितना रोल है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामन उम्मीद भर दे और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। शिमशा, पंजाब का दिल लाहौर है और लाहौर में इस वक्त जो ट्रैफिक की रवानी है वो काफ़ी मुतासर भी होती है, बाज़ूकात हादसात में इजाफा भी हो जाता है और बाज़ूकात उसमें कमी भी हो जाती है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में CTO साहब ने एक कंपेन का आगाज़ किया जिसमें ये बताया गया कि आपने वन व्हीलिंग को किस तरह से रोकना है और इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि कम उम्र ड्राइविंग कितनी खतरनाक हो सकती है। और इसके साथ साथ रिसेंटली आगाज़ कर दिया गया है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ स्पेशली उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और इसी हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब, उनको वेलकम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इसका लाहे अमल क्या होगा और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले ये मुझे बताइए कि ये जो कंपेन का आगाज़ किया गया था वन व्हीलिंग जिसमें थी, इसके अलावा कम उम्र ड्राइविंग थी और इसके अलावा लेन लाइन की खिलाफ वर्जी थी, इसको आप किस तरह से नेक्स्ट लेके चलेंगे? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हमने इस एजुकेशन कैंपेन को लॉन्च किया तो 7th of September एंड आई डू रिमेम्बर कि आप लोग भी वहाँ पे आए, आपकी टीम ने भी आके उसको कवर किया, तो एक अच्छी हमने कैंपेन लॉन्च की। उसमें 5 रोड्स को हमने प्रायोरिटाइज़ किया जिसके अंदर जेल रोड थी, माल रोड थी हमारी, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड और DHA की मेन बुलेवार्ड थी, तो उनके ऊपर हमने मुख्तलिफ हमारे उसकी स्टेजेस थी, एजुकेशन कैंप्स हमने लगाए, बेतहाशा हमने स्टीमर्स लगाए ऑन दी रोड्स, बैनर्स लगाए, हैंडबिल्स हमने, ब्रोशर्स छपवाए, वो लोगों को देते रहे। 15 डेज हमारी आगाही मुहिम थी और उसके बाद हमने 21 सितंबर से इन्हीं 4 चीज़ों को जिनको हम लेके चले थे जिनका आपने जिक्र किया, एक तो हेलमेट्स का इस्तेमाल मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, दूसरा वन वे जो वायलेशन करते हैं, उसके बाद हमारा अंडर एज ड्राइविंग और लेन लाइन डिसिप्लिन, इसके ऊपर हमने फोकस किया। और 21 सितंबर से हमने अपनी इन्फोर्समेंट स्टार्ट की। इन्फोर्समेंट जहाँ पे हमने स्टार्ट की, लेकिन एजुकेशन को हम नहीं भूले, वो भी हमारी जो आगाही मुहिम के साथ साथ चल रही है साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए जो अभी तक हम लोग सिंस 21st of September और अभी हम यहाँ पे बैठ के जो बातचीत कर रहे हैं, अभी तक हम लोग जो बग़ैर हेलमेट के जो हैं वो उस पर बड़ी प्रॉमिसिंग फिगर्स है, तकरीबन 17,077 चलान हम उन लोगों के कर चुके हैं जो विदाउट हेलमेट्स आ रहे हैं रोड्स के ऊपर। ये कितनी देर में किए आपने? ये हमारे 21st सितंबर से अब तक 17,000 चलान हमने किए हैं और हमारा इसको हमने एक जिहाद की सूरत में लिया है। जिहाद इन अ सेंस के अगर हम किसी की जान बचाते हैं और एक नेक नियति से काम कर रहे हैं तो उससे हेड इंजरीज में रिडक्शन होगी और इंसानी जान बचेगी। हेलमेट्स की अगर खाली अभी बात करें तो इसके लिए मैंने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है ऑपरेशंस, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की SSP ऑपरेशन से, उन्होंने सर्कुलर जारी किया तमाम अपने पुलिस ऑफिशल्स को कि कोई भी अपने दफातर में, थानों में, पुलिस लाइंस में विदाउट हेलमेट्स एंटर नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो उसकी हाजिरी मार्क नहीं होगी, नंबर वन। दूसरा, मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट की कि आपके जितने अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, उन तमाम एहलकार, उनके लिए भी एहलकारान के लिए आप मैंडेटरी बनाएं कि आप हेलमेट्स पहन के आएँ। ये दूसरा, CEO एजुकेशन भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि जितने हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो अमला है उनको भी पाबंद करें आप कि आप हेलमेट्स पहन के आएँ जो भी मोटरसाइकिलिस्ट हैं। तो ये एक एफर्ट हमारी है विच इज़ ऑन गोइंग और स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। दूसरा, लेन लाइन डिसिप्लिन की अगर बात करें तो हमने इन 5 मॉडल रोड्स के ऊपर अपने 40 मोटरसाइकिलिस्ट हमने स्क्वाड्स बनाए हैं। आपने अगर आपको इतफाक हुआ इन रोड्स पे जाने का तो हमारे एक एक बाइकर है, ट्रैफिक वार्डन उसके साथ एक ट्रैफिक असिस्टेंट बैठा है मेगाफोन लेके, थ्रू आउट अनाउंसमेंट्स भी कर रहा है कि जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है वो इंतहाई लेफ्ट साइड पे चले,
जो हाई स्पीड व्हीकल्स हैं वो राइट साइड पे चलें, आगे लेन लाइन, स्टॉप लाइन, ट्रैफिक कोन्स हमने रखी हुई हैं। तो एक कोशिश हम कर रहे हैं कि लोगों में थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त हम लोग लेके आए। ये वाली एफर्ट चल रही है, इसके ऊपर हम लोग कोई लगभग 2000 के करीब चलान अभी पिछले 3 दिनों में हम लोग कर चुके हैं। अभी आ जाता है वन वे वायलेशंस। वन वे वायलेशंस के ऊपर हम लोगों ने तकरीबन 5556 चलान अभी तक हमने किए हैं। और एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें आए दिन देखने को मिलता है, इंसानी जानें उसमें ज़ाया होती हैं, जो कि अंडर एज ड्राइविंग है। तो अंडर एज ड्राइविंग में भी हमारी, जब तक हम सब मिलजुल कर एक एफर्ट नहीं करेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, जब तक हम सब मिलकर अपना हिस्सा नहीं डालेंगे और अपने हिस्से की दिया नहीं जलाएंगे तो उसके सम्राट आगे जाना मुश्किल है। अच्छा, हमारे साहब एक ऑब्जेक्शन ये आया था कि जब मैंने आपकी कंपेन को बिल्कुल, लोगों ने ये पूछा कि ये जो कंपेन है ये सिर्फ मॉडल मतलब रोड्स पे क्यों है, जबकि एक्सीडेंट्स होने की ज़्यादातर शरह या तो अंदरून में है या उन इलाकों में जहाँ पर वो कंपेन नहीं चलाएगी। ये आवाम की तरफ से एक ऑब्जेक्शन था, इसे कैसे आंसर करेंगे आप? हमारे पास जितनी नफरी है हम उसको ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। एक शिफ्ट में मेरे लगभग 1150 से 1200 ट्रैफिक वार्डन्स एंड ट्रैफिक असिस्टेंट्स रोड्स पे डिप्लॉयड होते हैं। इसको फेज़ वाइज हमने करना है। हमारी ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई हैं, अगर विदाउट हेलमेट जो 1700 चलान हुए हैं, ये सिर्फ 5 मॉडल रोड्स के नहीं हैं, ये पूरे लाहौर के हैं। कैंपेन चूँकि इन रोड्स के ऊपर लेन मार्किंग्स हुई हुई हैं, रोड साइनेज कदरे बेहतर है, यहाँ पे 3-4 लेन्स अवेलेबल हैं जिसमें हम स्लो मूविंग को चलवा सकते हैं ऑन दी लेफ्ट साइड, बाकी ट्रैफिक जो है ऑन दी राइट साइड चल सकती है इन दी हाई स्पीड लेन्स मिडिल वन एंड दी राइट वन। तो ये हम यहाँ पे लेन लाइन डिसिप्लिन के लिए इनको चुना है क्योंकि यहाँ पे रोड साइनेज बेहतर है। बाकी पूरे पंजाब के अंदर, ये पूरे लाहौर के अंदर बाकी सेक्टर्स में भी हमारी अदर देन दीज रोड्स ये चलानिंग हमारी हो रही है। इन वायलेशंस के ऊपर हमारी जितनी बाकी सेक्टर्स की भी, सिटी है, गढ़ी शाहू है, रेलवे स्टेशन सेक्टर है, मुगलपुरा है, कोट लखपत है, मॉडल टाउन है, टाउनशिप है, ग्रीन टाउन, ख्याबान, यू नेम एनी सेक्टर, काना है, इन सारे उनके ऊपर हमारे जितने मोटर बाइक्स हैं, पेट्रोलिंग ऑफिसर जो हमारे चल रहे हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं सेक्टर्स की, वो थ्रू आउट अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, लोगों के कानों से बार बार गुजार रहे हैं कि हेलमेट पहने, हेलमेट पहने, नहीं तो चलान होंगे आपके। और चलान करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाह आए और करेक्शन हो, और ये पूरे लाहौर के अंदर हम लोग इन्फोर्समेंट कर रहे हैं एंड एजुकेशन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट, वहाँ पे चूंकि नफरी ज़्यादा हमने लगाई है तो ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से थ्रू एजुकेशन कैंप्स हम लोग ये आगाही मुहिम को और आगे इन्फोर्समेंट को भी पैरेलल लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया सर, आगे सर्दियाँ आ रही हैं और स्मोक का इशू थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस हवाले से वो गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स होती हैं, उनके खिलाफ भी कोई आप क्रैकडाउन का आगाज़ कर रहे हैं? जी हाँ, क्रैकडाउन इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है बिकॉज लाहौर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है स्मॉग का, जिसकी वजह से लोगों को सांस की बीमारियाँ होती हैं, हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए जो पिछला महीना था अगस्त का, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो मिनिस्टर साहब हैं वो एक कमीशन को हेड करते हैं। इसके बाद एक हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे एक कमीशन बना हुआ है, एनवायरनमेंट कमीशन, जिसको हेड करते हैं जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब। कल भी उनकी मीटिंग थी इसी हवाले से, और सारे स्टेक होल्डर्स जो जो इसमें पार्ट प्ले करते हैं, सारे महकमों के जो जिम्मेदारान थे वहाँ पे मौजूद थे, और उसमें हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी के वो भी मौजूद थे मीटिंग में, क्योंकि ट्रैफिक इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सेफ सिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो हर स्टेक होल्डर ने अपना अपना बताया कि हमारा क्या उसमें पार्ट है, हम कैसे कर रहे हैं, ट्रैफिक कंजेशन को कैसे कम करना है और फ्लो कैसे बेहतर बनानी है, और स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स के खिलाफ क्या करना है। उसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब भी मौजूद थे। तो उसके लिए है कि हमने जॉइंट टीम्स एक तो बनी हुई हैं जिसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के लोग हैं, हम लोग जॉइंट चेकिंग्स भी कर रहे हैं, ये काम हो रहा है हमारा। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ, ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो डीजल की गाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा वो धुआं छोड़ती हैं, तो कल हमारा मीटिंग में ये एग्री हुआ कि हम लोग ऐसी को जॉइंट चेकिंग के दौरान उन व्हीकल्स को ना सिर्फ फाइन करेंगे बल्कि उनको इम्पाउंड भी करेंगे, उनको जब्त भी करेंगे, और जब तक वो फिटनेस सर्टिफिकेट उसका लेके नहीं आते उनको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो ये एक एफर्ट हमारी चल रही है, और हमारा 24/8 को ये ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आगे स्मॉग सीज़न आ रहा है, तो हमने अपनी कैंपेन स्टार्ट की। हमारे पूरे लाहौर में जितने भी हमारे ट्रैफिक पॉइंट्स हैं
वहाँ पे हमारी टीम्स अपना काम कर रही हैं और अभी तक हम लोग कुछ 17,121 चलान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के कर चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा हैजर्ड्स फैला रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो पोल्यूटेड माहौल को ख़राब कर रहे हैं, फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा कर रहे हैं, कोई 57 के करीब ऐसी व्हीकल्स को हमने इम्पाउंड किया है। तो ये हमारी एफर्ट एक जारी। तो पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का इस सारे क्रैकडाउन में कितना रोल है और ये कितना हेल्पफुल है वार्डन्स के लिए इस सारे क्रैकडाउन में? यहाँ पर जो मौजूद पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं वार्डन्स के रोड के ऊपर? सबसे अच्छी ये एक टूल जो मेरे लिए है और हमने इसको मज़ीद मौसर बनाया है कि हमारी मॉनिटरिंग, हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स ऑन दी ड्यूटी पॉइंट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। और आज भी मेरी यहाँ पे, मैं सेफ सिटी आया हुआ था तो मेरी मीटिंग थी, तो हमारी जो ई चलाने के लिहाज से जो इन्फोर्समेंट टीम्स हैं जी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत बेहतर हो गई है। और आपके सेफ सिटी अथॉरिटी टीवी के तवसत से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, उनको वार्न करना चाहूँगा कि ई चलान्स हो रहे हैं ऑन ब्रेकिंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, ऑन वायलेटिंग द लेन लाइन डिसिप्लिन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, जो परमानेंट लाइन है हमारी उसकी आप वायलेशन करते हैं तो चलान्स आ रहे हैं लोगों को। और हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स एक्टिव हैं, हमारी 17 टीम्स हैं, उनके एरियाज़ भी हमने बढ़ाए हैं, उनको मज़ीद मौसर बनाया है, उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस दी हैं, प्रिंटर्स उनके साथ हैं। और कोई भी बंदा चेक होता है जब डिफ़ॉल्टर, अगर जब तक वो अपने फाइन्स पे नहीं करता तब तक आइदर हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं या गाड़ी को इम्पाउंड कर दें, तो बहुत अच्छा डेटरेंट है। और आप यकीन करेंगे बहुत सारे लोग, एज आई नो एंड वी डिस्कस, वी मीट पीपल डिफरेंट गैदरिंग्स में जाते हैं, तो लोग बताते हैं कि हम तो बहुत ख्याल कर रहे हैं, उनको नहीं पता कहाँ का कैमराज लगे हैं कि नहीं लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट की आपने बात की कि कितना हेल्पफुल है, इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल। पूरी दुनिया में जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है वो इन्फोर्समेंट के थ्रू ही बेहतर होता है, एजुकेशन इज़ वन पार्ट, लेकिन ये जो हमारी ई गैजेट्रीज हम यूज़ करते हैं, जिस तरह ई चलानिंग है हमारी, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और लोगों को डर और खौफ भी होता है। और अभी जो नई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर हमने जो तरामीम प्रपोज़ की हुई हैं उसके अंदर भी फ़ाइन इन्हांसमेंट इज़ ऑल्सो वन पार्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द पेनल्टी सिस्टम भी है। तो ये सारे मेयर्स मिलजुल कर जब होंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका बहुत बेहतरीन। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद जाते हैं जहाँ पे कंपेन आपकी होती है, आप खुद साइट विजिट कर रहे होते हैं और मैंने ये भी ये देखा है और आवाम ने भी ये देखा है कि आप खुद एक एक पब्लिक के पास जाके उन्हें एड्रेस कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, आपके ख्याल में रेजिस्टेंस कहाँ है? लोगों में सिविक जो एक सेंस है वो नहीं है। आप इस शो के हवाले से लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा कि वो किस तरह सिटी ट्रैफिक पुलिस से कोऑपरेट करें और उनमें एहसास ज़िम्मेदारी कितनी ज़रूरी है और कैसे पैदा की जाए? एक तो हमें ये एहसास पैदा करना है कि हम लोग हुब्बुल वतनी का इज़हार इसी तरह कर सकते हैं अगर हम ट्रैफिक रूल्स को, नॉट ओनली ट्रैफिक रूल्स, वैसे भी जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो हमारे कवानीन बने, उनका एहतराम करें। पेरेंट्स को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है कि वो अपने छोटे बच्चों को, अगर उन्होंने लाइसेंस एक्वायर नहीं किया तो उनको रोड्स पर मत आने दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंची रिक्शा चला रहे हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्सीडेंट्स का मूजब बनते हैं, तो पेरेंट्स को अपना किरदार अदा करना है। हमारे स्कूल असातिज़ा और हमारे टीचर्स जो हैं उनको ये चीज़ इनकलकेट करनी है अपने बच्चों में कि देर इज़ नो शॉर्टकट। ये जो वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ हमारा राइवन रोड के ऊपर, एक डंपर था और चिंची रिक्शा को हिट किया, 5 कीमती जानें हमारी ज़ाया हुई इन वन एक्सीडेंट, और उस चिंची के ऊपर ओवरलोडिंग थी और वहाँ पर उस पर कोई तकरीबन 10 लोग बैठे हुए थे, और एक और वो चिंची रिक्शा एक अगेंस्ट दी वन वे आया और डंपर अपने रूट पे आ रहा था और उसको हिट किया और हमारी कीमती जाने चली गई। तो वन वे जो हम थोड़ी सी अपना पेट्रोल बचाने के लिए, अपनी टाइम बचाने के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगियों को खो दिया। तो उसे एक ड्राइवर की गलती थी। तो हमें इससे पता लगता है कि ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, तो अगर हम कोई भी ऐसा इकदाम करते हैं, कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, तो इंसानी जानों को, अपनी नहीं दूसरों की जानों को नुकसान, उसमें उनको महफूज कर रहे होते हैं, उनके लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये है कि हमें कवानीन का ख्याल करना है, हर एक को अपना अपना पार्ट प्ले करना है। इसी सिलसिले में मैंने एक बहुत अच्छा हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, विच इज़ दी स्टूडेंट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। वो किसी दिन अलहदा से अगर हमें बात का टाइम मिलेगा तो उसमें पूरी डिटेल बताऊँगा।
उसमें ये है कि ट्रैफिक वॉलंटियर्स हम ले रहे हैं बच्चों और बच्चियों में से सीनियर ग्रेड्स के, और उनको यूज करेंगे हम एज ट्रैफिक वॉलंटियर्स अपने अपने स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के सामने जहाँ ट्रैफिक कंजेशन होती है पिक एंड ड्रॉप टाइमिंग्स में, तो उनको यूज़ करके और हम उनको एक उनमें एहसास जिम्मेदारी पैदा कर रहे हैं कि हम भी वापस सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं और हमें अपना पार्ट प्ले करना है। दिस इज़ द टाइम के यहाँ पे हम लोग अपना अपना पार्ट प्ले करें, ना कि हम ये कहें कि उसने ये नहीं किया तो उसने ये नहीं किया। हम सब ये मिलजुल कर देखें और ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम सब मिलकर इस सोसाइटी को क्या दे सकते हैं और क्या दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे और रिमशा को दीजिए इजाजत, लेकिन वो सब्सक्राइबर का तो बता दें रिमशा। अच्छा, सबसे पहले आपने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, आपने हमें फेसबुक पे फॉलो करना है, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेफ रहे, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।